हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की जो मैंने इंडियन पॉलिटी के लिए बनाए हैं सो आई एम श्योर दैट दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू तो क्वेश्चन नंबर वन विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बॉडी कॉल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल सो कौन से एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको बनाया गया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया इंडिया पे ओके तो मैं सिक्सटीन की बात कर रहा हूँ तो उसके बाद यहाँ पे रूल करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत से कानून उसने पास किए उसमें से कुछ कानून ये है रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट ऑफ ऑफ 1773 ये कानून इंडिया 1784 तो ऐसे ऐसे कानून बहुत सारे ऑल द वे 1947 तक उन्होंने बनाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ऐसा एक इंस्टीट्यूशन था वो किस एक्ट में बनाया गया तो इसका आंसर जो है वो है बी ऑप्शन सो ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में बनाया बनाया गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया गया कि यहां पे जो है आप एक बॉडी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बताया गया किल फंक्शन को देख लो ठीक है तो दूसरी बॉडी वहां पर थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले से थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताया गया कि आप क्या करो आप कंपनी के Uh, जो इकोनॉमिक फंक्शन है जो ट्रेड वगैरह है वो देख लो ओके okay? so, तो याद करने पड़ेंगे तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजन जो है इन एक्ट के भी वो आप याद करने, पड़ेंगे, करने पड़ेंगे जैसे चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थर्टीन का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि इसने सबसे पहले इंडिया में यहां पे एजुकेशन के लिए एक लाख रुपया स्पेंड कर, कर, किया यहाँ पे अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन तो ये प्रोविजन इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो है चार्टर एक्ट ऑफ एटीन ने यहाँ पे बोला कि अब यहाँ पे फ्री ट्रेड होगा तो ये भी प्रोविजन आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखना पड़ेगा फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कौन कौन से फीचर्स है जैसे एक फीचर इसमें यह है कि इसमें अब गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल जो उस वक्त का पोस्ट था उस गवर्नर ऑफ बंगाल को बना बनाया गए आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ओके ऐसे जो है सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है फिर वैरन हेस्टिंग्स ओके वैरन हेस्टिंग्स ऐसे इसका एक और प्रोविजन है कि इस एक्ट के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में तो ये प्रोविजन आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद करने पड़ेंगे सो क्वेश्चन नंबर वन हो गया क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए The power to increase the number of judges of the Supreme Court is vested in कौन कर सकता है number of judges increase Supreme Court के जैसे originally जो है कुछ judges थे या आठ थे या दस थे आजकल की स्ट्रेंथ जो है थर्टी वन है ये ये ऐसे ऐसे मतलब कल को चाहे तो कौन है? इसकी स्ट्रेंथ जो है फोर्टी कर सकता है तो The power lies with the Parliament of India. तो Parliament के पास से power होते हैं तो answer B, uh, option B is the correct, uh, you know, answer of this question. ंग फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे मैंने भी आपको बहुत एक्ट्स के बारे में बताया तो ऐसे जो है बहुत सारे एक्ट्स कंटिन्यूसली पास होते गए तो उनमें से एक एक्ट एक ये है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फिफ्टी एट जो रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन

कुछ लोगों के लिए अलग से इलेक्शन होगा उन्हीं लो, लोग लोगों के लिए जो है उन्हीं लोगों के बंदे जो है इलेक्ट किए जाएंगे तो ऐसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट जो है प्रोवाइड किया गया सबसे पहले एक्ट ऑफ 1909 में तो तभी उसको बोलते हैं मोरले मोरले मिंटो मिंटो रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स लॉर्ड मोरले उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था लॉर्ड मिंटो जो था ये था ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम तो इन्होंने ये स्कीम की उसको बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 इसी में ये प्रोविजन था कि मुसलमानों के लिए ओके okay, मुस्लिम्स के लिए हम यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट ऑफ 1909 तभी लॉर्ड मिंटो जो है इसको फिर नाम पड़ा कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिमिनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया ओके फादर ऑफ कोमिनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को क्योंकि उसने ये पास किया। ऐसे ही जो है फिर यू नो दिस एक्ट ऑफ नाइनटीन में इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को और बढ़ावा दिया गया 1950, 1935 में और बढ़ावा दिया गया बढ़ावा का मतलब ये होता है कि अगर इसमें 1909 में खाली मुस्लिम्स को दिया गया फिर 1919 19, 19 में जो है किसी और कैटेगरी को दिया गया एसी 1935 में जो है किसी और जैसे हेरिजिंस को या यू you नो know, दिस शेड्यूल कास्ट को या एंग्लो इंडियंस वगैरह को तो इनको जो है फिर ये एक्सपेंड किया गया राइट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैव अ बेयरिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया अब इंडिया की जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो कुछ ऐसी प्रोविजंस थे यहां पे जिन प्रोविजन की वजह से क्या हुआ जिन प्रोविजन की वजह से इंडिया की में या 1947 से पहले पहले ऐसे कौन कौन से उठाए गए जिसकी वजह से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हेल्प मिलती है अगस्त ये फोर्टी की बात है क्रिप्स मिशन टू की बात है कैबिनेट मिशन प्लान सिक्स की बात है एक्चुअली इन तीनों प्रोविजंस में से क्या किया गया अगस्त ऑफर ने सबसे पहले बताया गया कि यहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो है वो शुरू करेंगे जल्दी क्रिप्स मिशन ने भी बताया कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यहां पे बनाने का काम शुरू किया जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान ने जो है फिर फुल फ्लेज तरीके से बताया गया कि पूरा स्कीम दिया गया कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगी तभी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है अपॉन द स्कीम विच इज फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान तो तीनों इसके जो प्रोविजन है ये तीनों डी इज द करेक्ट ऑप्शन D is the answer of this question. Which of the following statement is incorrect about the Constituent Assembly? मैं आपसे ये advice करूँगा कि आप क्या करेंगे सबसे पहले जो है इन videos को जो है आप खुद इन क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करेंगे उसके बाद जो है मेरी एक्सप्लेनेशन आप देखा करें ठीक है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द आप वीडियो को पाज करते जाएंगे उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे मेरा आंसर देखने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कंस्टिट्यूंट असेंबली आपको देखना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से ओके अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है वो असेंबली वो बॉडी जो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बनती है जो अभी मैंने आपको कैबिनेट मिशन प्लान बनाया वो बॉडी जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो बॉडी बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान ने बताया कि यहाँ पे जो है हम एक बॉडी बनाएंगे जो यहाँ के लिए इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज तो ये तो तो सब बताया गया था किस में कैबिनेट मिशन प्लान में फिर इलेक्शन होते हैं वहां से जो मेंबर्स बनते हैं उनकी एक बॉडी बनती है उस बॉडी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि वो असेंबली वो बॉडी जो काम करती है क्या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बनाने का काम यही बॉडी वो थी जिसने 1946 से कंटिन्यू मेहनत करके रात दिन 1949 तक काम करते दो तीन साल तक काम किया इसने और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली इसने बना दी ओके okay. तो आपको देखना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है देखिए इन डिसंबर 1946 महात्मा गांधी मूड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली विच लेटर ऑन बिकेम द प्रेमबल ओके तो देखिए ये स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो बाद में जाके प्रेमल बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है तब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली महात्मा गांधी ने नहीं दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूड बाय जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू तो ऑप्शन जो है ये पहली ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होगी तो ये आपको जो है तीनों ऑप्शन याद करने पड़ेंगे ओके ये तीनों ऑप्शन आप, आप याद करने पड़ेंगे ये आपके एग्जाम्स में बहुत काम आ सकते हैं ओके बिकॉज दीज आर द करेक्ट नोब ये ये एक एक ही क्वेश्चन में चार चार और ऑब्जेक्टिव Which of the following parts of Constitution provides for the promotion of international peace and security? Okay, fundamental duties में ऐसा कुछ provision है ही नहीं. Directive principle state policy में जो Ireland से लाया है यहाँ पे, आयरलैंड का जो प्रोविजन है यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक प्रोविजन है विच प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 जो आता है इसमें तो वहां पे ये लिखा गया है so, सो इसका आंसर जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फिर से इनकरेक्ट कौन सा है विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑरिजिनली फोर्टी नाइन इट कंटेन्ड प्रियम्बल थ्री नाइनटी फाइव आर्टिकल्स एंड एट शेड्यूल्स इट्स वेरी करेक्ट ओरिजिनली जो है इसमें प्रेम्बल था 395 आर्टिकल्स थे और एट शेड्यूल्स थे चलो आजकल की सिचुएशन डिफरेंट है आज तो आठ आज नहीं आजकल कल प्रेजेंट टाइम आज बारह शेड्यूल्स है आज जो आर्टिकल्स है वो भी तकरीबन फोर हंड्रेड के आसपास 445 आर्टिकल्स है ओके ऐसी प्रेम्बल तो प्रेम्बल ही था ओके तो आ, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है इट्स करेक्ट बिकॉज ये ओरिजिनली ओरिजिनली लिखा गया द फंडामेंटल ड्यूटीज वायर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेटमेंट भी सही है इट वॉज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनती है उसमें ये नहीं थे ये फिर बाद में जाके uh, 19 यू नो दिस 70 76 के आसपास जो फोर्टी सेकेंड एमेंडमेंट किया गया फोर्टी सेकेंड एमेंडमेंट किया गया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का उसी फोर्टी सेकेंड एमेंडमेंट में ये जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये एड किए जाते हैं ओके okay, सो so ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल थर्टी फाइव से लेके फिफ्टी वन तक जो एक चैप्टर है तो ये हमने कहां से लाया है uh, ये हमने यूएसएसआर रशिया से नहीं लाए हैं ये हमने लाए हैं आयरलैंड से कहां से लाए है आयरलैंड से तो ये स्टेटमेंट जो है ये होगा गलत एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्रोवाइडेड इन द टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टोटल हमारे पास ट्वेल्व शेड्यूल्स है शेडूल है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है कुछ जैसे सारे शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट ही है ये आपको रटा मारना पड़ेगा सारे शेड्यूल्स ओके okay? जैसे एट्थ शेड्यूल में जो है लैंग्वेज दिए गए हैं टेंथ शेड्यूल में जो है एंटी डिफेक्शन ला दिया गया है ओके अलेवन्थ शेड्यूल में पंचायत दिए गए हैं ट्वेल्थ शेड्यूल में जो है म्यूनसिपलिटीज का दिया गया है ये सारे शेड्यूल्स आपको एक एक करके याद करने पड़ेंगे किसी भी एग्जाम में आपके आते हैं ओके सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाकी सब स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देर इज नो

तो यह भी सही है यहां पर ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पढ़ सके ऐसे जो है ये नो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जो यू नो विच इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज हम कहा कर सकते हैं खाली लोकसभा में न कि राज्यसभा में ओके okay? न कि राज्यसभा में और इससे क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाएगी अगर वो पास हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट गिर जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाती है तो वहां पर जो है फिर उसको रिजाइन देना पड़ता है तो मैं आगे जाके जब मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आ जाऊंगा उसमें आपको मैं फिर से ये यू नो रिपीट करूंगा फॉलोइंग वर्ड फर्स्ट इन द प्रम्बल यहाँ पे प्रेम्बल की बात हो रही है प्रैम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रैम्बल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही होती है प्रैम्बल से जिसका पहला वर्ड है ऐसे वी ओके okay, वी, उसके बाद लिखा है पीपल ओके ऐसा लिखा है ना उधर विदल ऑफ इंडिया ओके तो ऐसे लिखा है आप देखेंगे पहले वर्ड कौन सा विदीपल ऑफ इंडिया है Uh, to constitute India, okay? To constitute India into a sovereign, into a sovereign socialist, okay? Sovereign socialist, democratic, sovereign socialist, secular, okay? Yeah, sovereign socialist, secular and democratic republic. तो ये प्राइमरी भी आपको याद करना पड़ेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अब देखेंगे। कौन सा वर्ड पहले आ गया सेक्युलर आ गया पहले ओके okay? बाकी इनमें से सबसे पहला वर्ड जो है हमारे प्रेमल का जो टेक्स्ट है तो यहां पे सेक्युलर जो है इसका आंसर आएगा सबसे पहला वर्ड कौन आता है अब वो आता है सेक्यूलर तो ये प्रेमल भी आपको याद करना पड़ेगा आपके एग्जाम्स के लिए आर्टिकल थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ये आर्टिकल थ्री भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो इट एक्चुअली द पार्लियामेंट फॉर्म ए न्यू स्टेट राइट इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एन स्टेट ये भी सही है ऑल्टर द बाउंड्रीज नेम ऑफ एन स्टेट ये भी सही है चेंज द डेमोग्राफी ऑफ एन स्टेट अब डेमोग्राफी कैसे चेंज हो सकती है पॉपुलेशन चेंज नहीं हो सकती है पॉपुलेशन जो है तो वही है उसको आप किसी एक स्टेट से धक्के देखे बाहर नहीं निकाल सकते हो किसी और स्टेट में आप जो है वो उस, उनको आप नहीं निकाल सकते हो एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन तो वन टू थ्री स्टेटमेंट सर्च करेक्ट तो सी इज द करेक्ट आंसर

तो so, सबसे पहले जो है धर कमीशन इसको अपॉइंट किया गया था दर कमीशन ने भी इस पे काम किया है जीवीपी जीवीपी एक्चुअली तीन बंदे थे जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पिता भी सितारा मैया मेरे ख्याल से तो ये तीन बंदे भी इन्होंने इनकी कमेटी ने भी कुछ काम किया देन फाजल अली कमीशन ने सबसे ज्यादा काम किया नाइनटीन में इसी के बेसिस पे फिर बहुत सारे स्टेट जो है वो यहां पे इंडिया में बनते हैं तो दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन तो फजल अली कमीशन को थोड़ा बहुत आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इसने क्या क्या प्रोविजन दिए ओके okay? तो इसने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे स्टेट्स को बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस ऑफ स्टेट्स को बनाओगे यहाँ पे ओके okay? तो आफ्टर द ह्यूज क्राई तो फिर यहाँ पे इंडिया में जो है स्टेट्स बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है सबसे पहले स्टेट जो इंडिया में बनती है वो बनती है आंध्र प्रदेश ये आप याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन नंबर इड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग वेज फॉर लूजिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप विच वन इज नॉट द प्रोविजन अमंग द फॉलोइंग बाय विच सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट कब कब सिटीजनशिप जो है इंडिया कि, आ, किसी इंसान की जो इंडिया में रहता है जो इंडिया का सिटीजन है सिटीजन है उसकी सिटीजनशिप आप कब खत्म कर सकते हो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं ठीक है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ नाइनटीन

अब का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान जो है या कोई सिटीजन इंडिया का जो है वो लिख के देगा कि भाई मुझे इंडिया की सिटीजनशिप जो है नहीं चाहिए मैं इसको ठुकरा देता हूं उसको रिनाउंस बोलते हैं ओके अगर वो करेगा कि मुझे नहीं चाहिए वो लिख के देगा कि आई विल आई हेयर बाई रिपोल टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंडियन सिटी सिटीजन जो है अगर उसने किसी फॉरेन कंट्री में सिटीजनशिप एडॉप्ट की है ओके फॉरेन कंट्री में सिटीजनशिप एडॉप्ट की है तो उसकी सिटीजनशिप जो इंडिया में है वो ऑटोमेटिकली वहां पे खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं सिटीजनशिप बाय टर्मिनेशन ओके अगर जो है कोई इंडियन सिटीजन जो है वो ओके वॉलटेरली okay, क्या करेगा वो किसी और देश की सिटीजनशिप जो है वो अडॉप्ट करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे खत्म होती है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन का मतलब ये होता है अगर कोई फ्रॉड फ्रॉड किए किसी आदमी ने तरीके से कागज वगैरह बनाया है तो अगर कोई इंडिया में कोई वॉर वगैरह चल रही है तो वॉर के टाइम उसने कोई गदारी वगैरह दूसरे देश के साथ वो इधर उधर कुछ उनकी हेल्प सिपाई जासूसी वगैरह कर रहा था ओके तो अगर जो है सात साल तक जो है आ, इंडिया के बाहर कंटिन्यूसली कोई बंदा रहता है तो उस उस सिलसिले में हम उसको बोलते हैं द इंडियन सिटीजन कैन लॉज लूस लूज इज सिटीजनशिप बाय डिप्रेवेशन बाय डिप्रेवेशन तो इंसॉल्वेंसी का कोई मेंशन नहीं है तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन तो बाकी तीन आपको याद करने पड़ेंगे फॉलोइंग होता है डिस्क्रिप्शनरी पावर्स ऑफ गवर्नर डिस्क्रिश्शनरी पावर्स क्या होता है डिस्क्रिप्शनरी पावर्स का मतलब ये होता है कि जो स्पेशल पावर्स गवर्नर के पास होते हैं जो और किसी के पास नहीं होते हैं उनको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स तो आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए ओके okay? उसके उसका जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ओके okay? ये उसका ये डिस्क्रिशनरी you पावर know, है और थर्ड उसका डिस्क्रिशनरी पावर है ओके okay? तो ये आपको जो है अच्छी सी दिमाग में रखना पड़ेगा ओके सो एक्चुअली गवर्नर की जो पोस्ट है ना गवर्नर क्या होता है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है दे आर बोथ नॉमिनल हेड्स उनके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं होती है नॉमिनल हैव टू दे हैव टू यू नो दे हैव टू एक्सेप्ट दे हैव टू एक्सेप्ट एंड हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड

कि वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सेंड कर सकता है कि यहाँ पे जो है स्टेट में जो जो कानून वगैरह है rule, the, the, you know, तो यहां पे आ, लगा दो ओके okay? ऐसे जो है, कुछ बिल्स वो, आ, रिजर्व रख सकता है तो स्पेशल पावर है, है, है तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर काम ये तो चीफ मिनिस्टर का, का काम है okay? तो ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फंडामेंटल राइटेड इन विच पार्ट ऑफ्यूट बहुत सारे है में, 20, तो थर्ड में फॉलोइंग इन करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट की बात चल रही है ये तो बहुत बैकबोन you know, है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इनकरेट कौन सा स्टेटमेंट है इन चार स्टेटमेंट स्टेट में से देर अवेलेबल टू दिन इंडियन सिटीजन ऑनली

तो ये जो है आप एंजॉय उस टाइम भी कर सकते हो द प्रोविजन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो आर्टिकल 24 में दिए गए हैं आर्टिकल 24 क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट इन एनी हेजोडियस वर्क तो वहां से जो है आप ये आर्टिकल 24 से आप पूरे कानून वगैरह बना सकते हो आर्टिकल 24 में ये सब जो है वो दिया गया है वर्स मेन बाय डबल जीओ पार्टी अब डबल जीओ पार्टी का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म आपको मिलेगी जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब वहां पे आप देखेंगे आर्टिकल 20 की आप स्टडी जब करोगे आर्टिकल 21 की स्टडी करोगे तो आपको ये डबल जो बॉडी का वर्ड मिलेगा इसका मतलब क्या होता है नो नो पर्सन कैन बी बी टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ इसको बोलते हैं इनक्रिमिनेशन ओके इट इज नॉट डबल जीरो बॉडी इसको बोलते हैं नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब होता है ये वाला इसका मतलब ये होता है नो पर्सन कैन बी इम्रेजेंट वॉइस इन द सेम ये भी गलत है नो पर्सन परसेंट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस तो ये इसका करेक्ट आंसर है ओके डबल पार्टी का मतलब होता है सी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट right आंसर ये आप देख लीजिए राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मदरसा वदरसा किस टाइप से मत्स वगैरह जो है इसका प्रोविजन कहां पे दिया गया है आर्टिकल 30 में दिया गया है आर्टिकल 30 आप याद करेंगे आर्टिकल थर्टी में ये सब दिया गया बाकी आर्टिकल जब पता है आर्टिकल नाइनटीन में जो है इट्स राइट टू फ्रीडम ओके राइट टू फ्रीडम जिसमें आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह वो सारे नाइन सिक्स फ्रीडम जो है वो आर्टिकल नाइनटीन में देंगे ट्वेंटी नाइन जो है इट्स ऑल्सो कंसर्न विद द यू नो दिस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और ट्वेंटी एट ये फंडामेंटल राइट्स आप, आपको जो है आगे जाके मैं आ, डिटेल में समझाने जा रहा हूँ राइट अभी के लिए आप आर्टिकल थर्टी याद रखिए

वहां पे आपको पावर्स जो मिले हैं वो मिले हैं आपको इस राइट right के अंदर जो लिखी गई है आर्टिकल 32 में आर्टिकल थर्टी टू कॉन्स्टिट्यूशनल तभी आप वहां पे रिट्स 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 वगैरह जितने भी सारे रिट्स है, इज राइटीजे होगा वगैरह होगा तो वहां पे जो है आपको वहां पे आपको कानून वहां पे आपको जस्टिस मिल, मिलेगा ठीक है सो दिस इज वट इज नोन एज आर्टिकल थर्टी टू विच वॉज डिस्क्राइब बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके

कोर्ट वेदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलता है एक आदमी को जिसने इलीगली किसी बंदे को बंद किया है उसको डिटेन किया है तो उसको बोला जाता है कि भाई इस दिन ऑर्डर ऑर्डर पास करता है कि भाई इसको फ्री करो अब अगर आपने इसको इलीगली जो है बंद किया है तो ये आप याद रखेंगे तो इसके बाद जो, ये, जो है ये भी एक रिट है इसका आंसर तो ऑप्शन है, को भी आप जो है कमांड एक पास होती है कोर्ट के द्वारा यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बो, बोला जाता है कि आप क्या करो आप यार अपनी ड्यूटी जो है वो ड्यूटी आप अपने लीगली हिसाब से आप जो है वो ड्यूटी करो ओके सो इट इज द कमांड इश्यूड बाय द कोर्ट द पब्लिक ऑफिशियल asking him to perform his official duties okay which he has failed to perform or which he has refused to perform aise जो prohibition है prohibition वाले writ का मतलब क्या होता है? prohibit करता है यहां पे क्या prohibit करता है सो so, यहां पे जो है prohibition का मतलब ये होता है कि यहां पे हायर कोर्ट लवर कोर्ट को जो है prohibit करता है कि भाई आपकी आप अपनी ज्यूरिडिक्शन आप अपनी दायरे से बाहर जा रहे हो तो आप जो है ये ये हेरिंग मत आप ले लो आप ये काम मत करो तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऐसे फिर जो है सोरशूरी का मतलब ये होता है ये भी ऐसे टू तो बी सर्टिफाइड इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो है अगर कोई लवर कोड जो है वो आ, ग, ग, काम सही तरीके से नहीं कर रहा है इलीगली कर रहा है या उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां पे उसकी ज, वो अपना ज्यूरिडिक्शन जो है आ, या यू नो वेदर ही हैज suffered फ्रॉम द एरर ऑफ लॉ उसने कोई ला यू नो दिस को कोई प्रॉब्लम आई है वहां पे उसको जब वो कोई जजमेंट वगैरह सुना रहा था या अगर वहां पे जो है ही इज एक्सीडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर केस ओके एक्सीडिंग जुडिशन ऑफ ए पर्टिकुलर केस तो उस सिलसिले में क्या बोल सकता है हायर कोर्ट जो है लवर कोर्ट को बोलेगा कि भाई आप क्या करो आप इसको वहीं पे क्वेश करो ये आपकी अथॉरिटी नहीं है इसको मैं यहां पे क्वेश्च करता हूं और ये केस जो है आप मुझे ट्रांसफर कर दो मैं इसकी हेयरिंग जो है खुद करूंगा तो उसको बोलते हैं श्योर sure, शेरी sure. तो ये रेट्स भी आपको जो है देखने पड़ेंगे ओके okay? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन विश अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गवर्नर तो ये क्वेश्चन जो है गवर्नर के रिलेटेड है गवर्नर इज एन इंपॉर्टेंट पोस्ट सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट क्या ये सही है यह स्टेटमेंट हमें देखना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडमिनिस्टर्स ओथ टू द गवर्नर ये सही है राइट right? ये वाला स्टेटमेंट जो है कंफर्म है देर इज नो प्रोसीजर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल ये भी सही है गवर्नर डजेंट एंजॉय द फिक्स टर्म ऑफ फाइव ईयर टू हिज ऑफिस ये भी सही है ये स्टेटमेंट भी सही है सो so, गलत ये है यहां पे सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड ओके ही कैन बी अपॉइंटेड सो गवर्नर जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर जो है उसको बनाया जा सकता है विच अमंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने पढ़ा होगा वो बहुत एक लंबा लिस्ट है उसमें से आपको हर कोई पॉलिसी uh, जो है हर कोई लिस्ट जो है वो कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए एक idea, चाहिए कौन सा और कौन सा नहीं है देन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इट्स इट इज यू नो करेक्ट है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड ये भी है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी है ओके okay, इनफेक्ट ये तो इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट सेक्टर ये नहीं है द फंडामेंटल ड्यूटी जो एड की गई नाइनटीन में वो दस थी फिर उसके बाद जो है एक एड की गई तो आज जो है वो है गहरा फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट हमारे पास है okay? तो इसमें से एक जो अलेवेंथ है जो एजुकेशन के रिलेटेड है एजुकेशन के रिलेटेड कि मतलब हर छह साल से चौदह साल तक का जो बच्चा है उसको एजुकेशन फ्री वगैरह कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी ये वो जो है ऐड की गई थी एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो 2002 में ऐड किया गया ये आप याद रखेंगे वर्मा कमेटी वर्मा कमेटी वॉज अपॉइंटेड ऑन क्या आप किसको जो है कंसिडर uh, करो ओवरव्यू करो Uh, कुछ और रिकमेंडेशन दे दो उसको लेके वर्मा कमेटी किस चीज पे बनाई गई थी ये आप आंसर दीजिए आंसर जब आप इसको पढ़ेंगे आराम से तो आपको जो है आंसर ये मिलेगा फंडामेंटल डिविटीज पे इसको बिठाया गया था फंडामेंटल डिविटीज जब फंडामेंटल डिविटीज की बात की गई तो मैंने आपसे पहले भी कहा फंडामेंटल डिविटीज वायर नॉट ऑरिजिनली पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे वर एडिट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुवर्ण सिंह कमेटी एक कमेटी बिठाई गई उसको बोलते हैं सुवर्ण सिंह कमेटी सुवर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया गया कि

An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislatures of all the states. So, which of the following statements are correct? Okay, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको आप आराम से जो है, एनालिसिस कर दीजिए इस क्वेश्चन का, आप, यू नो, फिर से हम स्टेटमेंट वन की तरफ आएंगे। तो उसके लिए आपको बिल जो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी वो खाली लोकसभा में करनी पड़ेगी, कि, कि, करनी पड़ेगी कि आप दो, दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हो इनफैक्ट द बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकती है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी आपकी मर्जी है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस दिल आई इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा तो ये स्टेटमेंट जो है वो है गलत ओके यू कैन इंट्रोड्यूस इट इन बोथ द हाउसेज स्टेट के भी आपने कुछ होते हैं, तो उसके लिए अगर आप उन चीजों को लेके अमेंड करते हो कॉन्स्टिट्यूशन को दमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वेस्ट बी रेटिफाइड बाई लेस्लेचर्स ऑफ ऑल सब स्टेट्स के लेजिस्लेचर्सिव असेंबली वगैरह उसको रेटिफाई करने चाहिए सब स्टेट नहीं है नॉट ऑल द स्टेट्स नॉट ऑल द स्टेट्स इट्स ओनली हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स हाफ ऑफ द स्टेट्स half of the legislatures of the states, कम से कम 50% जो है लेजिस्लेचर जो है 50% इंडिया में तो वो उनको पास करना करने चाहिए ना कि पूरे लेजिस्लेटर्स तभी वो बन सकता है तो करेक्ट है इसमें से कोई नहीं ना तो एक करेक्ट है ना दो करेक्ट है डी इज द करेक्ट आंसर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव responsibility. कलेक्टिव responsibility क्या होता है विच ए इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट फीचर ऑफ द पार्लियमेंट्री फॉर्म ऑफ गर्वेंट इज बेस्ट डिफाइंड कलेक्टिव responsibility का मतलब यह होता है कि अगर कोई मिनिस्टर के खिलाफ जो है नॉन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है तो पूरे गवर्नमेंट को फिर रिजाइन करना पड़ता है तो ये आर्टिकल सेवेंटी में जो है इसको डिफाइन किया गया आर्टिकल आर्टिकल 75 को आप थोड़ा बहुत देख लीजिए वहां पे इसको अच्छी तरीके से यू uh, नो you know, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आर्टिकल 75 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज बैड रॉक ऑफ द पार्लियामेंट्री फीचर हमने हमने इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट की है ना कि प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और अगर उस मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती है तो पूरे मंत्रालय को पूरे प्राइम मिनिस्टर वगैरह पूरे सब मंत्रीज़ को रिजाइन देना पड़ता है विच आर द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट मैं इन किस इनमें से कौन कौन सी बॉडीज है ये तीन बॉडीज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन और जोनल काउंसिल किस चीज का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली वहां पर किया गया है ना तो नेशनल डेवलपमेंट का काउंसिल का मेंशन है ना ही प्लानिंग कमीशन का ना ही जोनल काउंसिल का तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है ये है ऑल ऑफ दीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है इसके बदले तो अब हमने नीति आयोग लाया है नीति आयोग अब प्लानिंग कमीशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं जोनल काउंसिल जो है ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ओके okay? तो इसका आंसर जो है वो है डी क्योंकि किसी का मेंशन नहीं है ओके पीसा पीसा क्या होता है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ओके इन 1996 अभी पीसा क्या होता है देखिए पीसा जो है मैंने आपको पहले ऑलरेडी पंचायत पे एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया है पंचायत जो है पंचायत विच वेर एडेड यू नो वेर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज Uh, और जो 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील विद द पंचायत उसमें सब कुछ लिखा गया है कि पंचायत का रोल क्या है ओके okay? तो यू नो दिस देन पंचायत का रोल क्या है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है तो उसमें से जो है फिर पंचायत को हमने पूरे इंडिया में लागू किया ओके okay? पूरे इंडिया में लागू किया तो

अब इसके लिए जो है आप याद रखेंगे 73rd कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने क्या किया था ये जो है पास किया गया था 73rd कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये पास किया गया 1993 में इसके अंदर हमने क्या किया था हमने कांस्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत राज सिस्टम को कांस्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हमने इसको ठीक है तो इनफैक्ट जो है हमने क्या किया हमने जो है आर्टिकल 243 में जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 243 इज इनफैक्ट द लॉन्गेस्ट आर्टिकल इन इंडिया 243 फोर्टी थ्री में आर्टिकल में हमने पूरा इसमें प्रावधान किया कि क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए तो 73 थ्री अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार इज द पंचायत राज सिस्टम इज कंसर्न अब इसमें जो है जब हमने पूरे इंडिया में पूरे स्टेट्स में देश भर में सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन्स्टु, जो है वो इंट्रोड्यूस किए तो उसके बाद हमने क्या किया था पीसा एक्ट पीसा एक्ट ओके शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज में इस पंचायत राज सिस्टम को एक्सटेंड करने के लिए हमने ये पीसा एक्ट पास किया अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था पास करने का इनऑर्डर टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन नो इन ऑर्डर टू लिंक द ट्राइबल पीपल विदर्न लाइफ ये भी कुछ स्टेटमेंट सही नहीं है टू रिकॉग्नाइज दिस हो सकता है का, मतलब okay? पढ़ा है ना फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में जितने भी ट्राइबल एरियाज है पंचायत राज सिस्टम को क्या करना है उसमें स्प्रेड करना है उसमें फैलाना है इनफैक्ट लेकिन उनके राइट्स जो है वहां पे उनकी जो ट्रेडिशनल राइट्स है उनकी जो ट्रेडिशनल जो उनके है जो उनके ट्रेडिशनल नॉर्म्स है उनको प्रोटेक्ट भी हमने साथ साथ करना है Uh, as far as the Panchayat system is concerned, which of the following statements is incorrect? फिर से incorrect about the Public Accounts Committee. Public Accounts Committee is one of the important committees of the Parliament of India. तो इसमें से जो है आप आपको देखना है कि गलत statement कौन सा है. three statements आपको रखने हैं यहाँ पे तो एक statement को आपको eliminate करना है. It consists of 25 members from the Lok Sabha. Only Lok Sabha? नहीं. ट्वेंटी फाइव मेंबर्स होते हैं ये सही है लेकिन उसमें से जो है मेरे ख्याल से सात मेंबर जो है वो राज्यसभा के होते हैं बाकी लोकसभा के होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ द लोकसभा एज वज द राज्यसभा तो ये स्टेटमेंट गलत है ये तीन स्टेटमेंट आप रट लो ये जो है इट एक्साम द रिपोर्ट ऑफ द ऑफ 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 इंडिया फाइनेंस अकाउंट्स गवर्नमेंट चेयरमैन दिस कमिटी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी ओके में एक कन्वेंशन डेवलप हुआ कि यहाँ पे जो है अपोजिशन पार्टी का इसमें इसका चेयरमैन होंगे जैसे आजकल का पार्लियामेंट है कांग्रेस का इसमें चौधरी चौधरी प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आपको याद रखने पड़ेंगे तो इसको जो है, इसमें जो है वो दोनों हाउसेस से होते हैं विच द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब जिनमें दोनों स्टेट uh, भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है कानून वगैरह बना सकते हैं उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट 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 अब चार यू uh, नो you know, तीन तीन है 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 ना तीन लिस्ट है, एक यूनियन है यूनियन में जो है यूनियन लिस्ट में क्या होता है यूनियन लिस्ट में वो वो सब्जेक्ट है वो वो डिपार्टमेंट है जो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं ओके okay, ऐसे यूनियन लिस्ट में तकरीबन सौ के करीब सब्जेक्ट्स हैं अब जो है उसके बाद जो है स्टेट लिस्ट है स्टेट लिस्ट में क्या है स्टेट लिस्ट में वो वो डिपार्टमेंट है वो 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 हैं जिन पे, आ, कानून वगैरह कौन बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट ऐसे भी जो है मेरे ख्याल से 66 के आसपास इसमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं देन कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में भी कॉन्करेंट uh, लिस्ट में भी कुछ फोर्टी सेवन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों के पास रहते हैं जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं यूनियन भी और स्टेट भी ऐसा जो आपको बताना है कि इस कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा इसमें से सब्जेक्ट आएगा पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन पुलिस एंड एग्रीकल्चर ये 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 तीन जो जो है 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 नीचे वाले तीनों सब्जेक्ट स्टेट के ये स्टेट के ओके okay. तो इसमें से ये पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है इसमें से जो है ये है कॉन्फ्रेंट लिस्ट में आ जाता है ये कॉन्फ्रेंट में आ जाता है तो इसमें स्टेट भी और सेंटर भी कानून वगैरह बना सकते हैं इसमें काम कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन जो है वो है ए

सब्जेक्ट कमरि फिर से वही है बात कॉन्ट लिस्ट में से कौन सा सब्जेक्ट आता है okay? बाकी जो है कोई सेंटर में है तो कोई स्टेट में इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर मैंट्रल स्टेट रिलेशन जो है ये किस पार्ट में मेंशन की गई है ये पार्ट एलेवन गेरा पार्ट में जो है इसका डिफाइनशन इसको एलोबरेट किया गया है सरकारिया कमीशन आपको पता है आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन इट डीट्रल स्टेट रिलेशनशिप है अपॉइंट ऑफ गवर्नर को लेकर जो है सरकार कमीशन ने बहुत कुछ रिकमेंडेशन दी थी गवर्मेंट को ओके okay. क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी ओके okay. uh, तीन रिकमेंडेशन दी थी एक को हमने इलिमिनेट करना है एक को हमने इलिमिनेट करता है करना है यहां पे तो आप जो है इस वाले को इलिमिनेट कर दीजिए ये इसका करेक्ट आंसर है ये तीन को आप रख लीजिए इसलिए ये, ये कहा है पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर जो है ही शुड नॉट बी अपॉइंटेड टू टू स्टेट रन बाय सम अदर पार्टी तो इसको आप देख लीजिए ओके okay? uh, ये सही है ही शुड बी इमिनेंट इन समॉक्स ऑफ लाइफ तो ये थोड़ा इमिनेंट होना चाहिए पर्सन शुड नॉट बी टू क्लोजली कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट वायर हज ये भी सही है ओके okay? अब यह है कि अब सरकारी कमीशन अपॉइंट किया गया था इसलिए कुछ रिकमेंडेशन दी थी अभी सरकार ने लेकिन उसकी रिकमेंडेशन मानी ही नहीं कुछ मानी होगी इनडायरेक्टली लेकिन ज्यादा मानी ही नहीं तो उसने बहुत कुछ बोला था लेकिन इस इन तीनों में से अब कौन मानी क्या नहीं मानी वो सेंटर वो सेंटर की डिस्क्रिप्शन थी उसने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर मानती तो उसने बहुत कुछ जो है नहीं माना तो इसने सरकारी कमीशन ने अपना काम जो है कर दिया रिकमेंड कर दिया ये उसने रिकमेंड कर दिया था वहां पर तो अब आंसर क्या रहेगा ए क्योंकि ये गलत है टैक्स को रिलेटेड बात हो रही है यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रेटेड बाई द भाई ये टैक्स हम लागू करते हैं फिर कलेक्ट करने का काम और उसको यूटिलाइज करने का काम किसका होता है वो होता है स्टेट्स का स्टेट गवर्नमेंट का तो इसका आंसर जो है देखिए इसमें से कौन सा पढ़ लीजिए आराम से स्टैम्प ड्यूटी एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑनडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन सक्सेशन ड्यूटी ओके ये नहीं है ये तो का है स्टेट डिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ये भी नहीं है ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है ऑफ़ प्रॉपर्टी ये भी नहीं है, तो इसका आंसर ये है ए इसका आंसर है तो ये आप देख लीजिए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियमेंट है पॉवर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन दिस्ट इफ ए प्रोकलिमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप देख लीजिए इसका आंसर देने की आप कोशिश कीजिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये आंसर 249 इज द आंसर टल फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा जो अलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपने पढ़ा पढ़ा होगा होगा आप आई एम श्योर कि आपने क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है इसमें से कौन सी है तो कौन सी नहीं है तो वो जो है वो आप देख लीजिए पढ़ने के बाद जो है इसमें पहली तो है ओके okay? पहली है वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इंजस ये नहीं है ये उस लिस्ट में नहीं है ये है तो ये है तो इसमें जो है सी इज द आंसर Interstate Council. अंडर आर्टिकल 263 ओके इंटर स्टेट काउंसिल स्टेट्स को आपस में भी तो रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए खाली सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होनी चाहिए अगर इंडिया को प्रमोट होना है डेवलप होना है अच्छी तरह से इसका इसका रिलेशनशिप जो है है इसकी इसको अगर प्रॉस्पर होना है, तो स्टेट्स के बीच में भी रिलेशन अच्छी होनी चाहिए ऐसे जो है एक यहाँ पे बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल जो 263 आर्टिकल के अंडर जो है उसको बनाया जाता है अब बहुत देर तक जो है इसको नहीं बनाया गया ओनली 1992 में बनाया गया इसको तो वो दूसरी बात है इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है इसमें से देखिए इसमें चेयरमैन होता है इसका चीफ मिनिस्टर ऑफ रोटेशन प्राइम इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ये आप याद रखेंगे ओके होम मिनिस्टर होता है चेयरमैन किसका जोनल जोनल का काउंसिल एक और बॉडी है उसका चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर बाकी इसका प्राइम, प्राइम मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा इट्स विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट पार्लियामेंट कंसिट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कौन सा है देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट थ्री को देखेंगे क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है इट कंसिट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेजिडेंट तीन ऑर्गन है पार्लियामेंट के एक ऑर्गन है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा तीसरा है प्रेसिडेंट तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगा तो तो अब इसको हमने तीन को तीन तो वैसे भी कहीं पे लिखा ही नहीं है ओके? Okay? हमने देखना कर, कर, you know, uh, है करेक्ट टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा क्यों नहीं uh, वहां पर तो उनकी uh, दिल्ली की रिप्रेजेंटेशन uh, है देन पौंडीचेरी uh, की भी रिप्रेजेंटेशन है तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है ये स्टेटमेंट जो है गलत है ओके okay? तो ये आएगा, you know this, ये आएगा आएगा यू नो दिस इनकरेक्ट इट्स विद इन द दर्व्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू ये भी गलत है एक्चुअली चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता है, उसके लिए एक अलग से एक डिस्प्यूट सेल बनती है इलेक्शन कमीशन द्वारा वो उसको एजुकेट करते हैं तो ये भी गलत है तो इसमें से जो है कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है सब स्टेटमेंट जो है वो गलत है नाइदर इधर वन ना इधर टू नी ओके okay. ये ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए ये तीनों गलत है राइट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग यू नो द स्टेटमेंट्स अब स्पीकर को लेके बात हो रही है स्पीकर का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ही इज द द हेड ऑफ लोकसभा स्पीकर को लेके जो है आप ये क्वेश्चन पहले देखिए आराम से देख लीजिए और देखिए देख लीजिए कि कौन सा इसमें से करेक्ट uh, स्टेटमेंट है हमने करेक्ट फाइंड आउट करना है यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है ही होल्ड्स ऑफिस ज्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट ओके नो

ये ये सही सही है, है, उसको देनी है स्पीकर को, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद respect टू द नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है में दिया गया है, आर्टिकल 352, article 352, अब तीन तरह की emergencies आर्टिकल article 352 में नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी या जिसको president रूल बोलेंगे वो आएगी आर्टिकल 356 में अगर आप फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे वो आएगी थ्री 60 में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लागू हो गई है यहाँ पे आ, दिस आ, 356 बहुत बार तो ये भी 352 वॉर के टाइम में चाइना के वगैरह पाकिस्तान के टाइम पे जो है हमने 352 लागू की थी तो आ, अब इसमें से जो है गलत कौन सी यू नो दिस इंफॉर्मेशन है अब देख लीजिए इसमें से इनकरेक्ट कौन-कौन सा है जो गलत स्टेटमेंट कौन-कौन सा है इसमें इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एक्सटर्नलaggression और आर्मड रेबेलियन तो ये तो सही है It must be approved by both the houses of parliament by special majority ABC within one month. Within one month ABCA within one month Yes statement say from the date of its issue. ABC if approved by both houses by special majority, it continues for six months. Okay. Uh, it uh, you know this uh, continues for six months to ABC. The Prime Minister can declare the emergency in any part or throughout the entire country.

नेशनल इमरजेंसी को लेके अब खाली आपको यहां पे लगाना है प्रेसिडेंट फिर यह सही बनेगा तो ये आप ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वन हैंड एंड वन आर मोर स्टेट ऑन द अदर हैंड कम्स इन विच काइंड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन अब सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ा था पढ़ाया था आपको मैंने वहां पे उसकी बहुत सारे पावर्स है बहुत सारे जुरिडिक्शन है तो

वोट अकाउंट इज यूज रेगुलर गवर्नमेंट वाइल एज द इंटरिम बजट इज यूज बाई द केयर टेकर गवर्मेंट तो ये सही है वोट एन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट वाइल एज इंटरिम बजट इंक्लूज बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्स ओके तो इसका जो है आप क्या करेंगे इसमें जो आप देख लीजिए कौन सा आंसर है इसका आंसर जो है वो है बोथ यू नो दिस बोथ बी एंड सी सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन

और ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड जो फ्रीडम आपको दी गई है ना आर्टिकल 19 में फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट ऑर्म्स वगैरह वो सारे फ्रीडम जो है वो सस्पेंड होती है ऑटोमेटिकली ओके okay? फिर जब इमरजेंसी खत्म होती है फिर वो ऑटोमेटिकली फिर से रिवाइव भी हो जाती है द लाइफ ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म फॉर यू नो बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ फाइव अप टू द मैक्सिमम ऑफ थ्री ईयर्स ये स्टेटमेंट अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए द पार्लियामेंट के नॉट मेक लॉज

इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो लेकिन हर एक साल के बाद हर एक साल के बाद आपको पार्लियामेंट में उसके लिए जो है प्रोक्लेमेशन पास करनी पड़ेगी तो ये स्टेटमेंट जो है वो है गलत द पार्लियामेंट के नॉट मेक लॉज ऑन दो इन द स्टेट लिस्ट ये भी गलत है इनफैक्ट पार्लियामेंट केन मेक लॉज ओके तो ऑल गलत हो गया तो इसका आंसर जो है वो है ए इज ए करेक्ट ऑप्शन

ज नॉट क्वालिफिकेशन्य प्रेडेंट ऑफ इंडिया राइट्लीटेड नो थर्टी फाइव ईयर थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज ओके सो ये जो है यह होगा गलत क्वालिफिकेशन देन ये आपको याद करने पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रट ओथ टू द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट टू द प्रेजिडेंट ओथ जो है कसम जो वगैरह खिलाते हैं वहां पर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट को और चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट वो है गवर्नर को हु इज द करेक्ट वट इज द करेक्ट क्रोनलॉजी ऑफ द फॉलोइंग प्रेजिडेंट्स क्वेश्चन नंबर 50 का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे यहां तो आप देखेंगे आपके पास पूरा लिस्ट होना चाहिए कि कि बाद कौन सा बनता है, सबसे पहले okay, वीवी गिरी नीलम संजीवा रेड्डी के आर नारायणन ओके जाकिर हुन वॉज दंगेस्ट प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी ऑनली प्रेसिडेंट हु तो ये चीजें आप जो है देख लेंगे ओके okay, ये चीज आप देख लेंगे यहाँ पे So, इसका D. D is the 51, टू बी हेल्थ विद इन विल बी सिक्स मंथ्स, सिक्स मंथ्स इज द करेक्ट आंसर जब भी पंचायत डिसॉल्व होगी तो आपको उसमें इलेक्शन जो है कम से कम छह महीने के

फिर से क्या करना होता है उसको फिर वो ऑर्डिनेंस पास करनी होती है एज पर द प्रोसीजर एज पर द प्रोसीजर एंड दैट मस्ट बी पास इन वीक्स वीक्स विद इन दिक्कस फ्रॉम इट सिरे असेंबली अब इसका मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डिनेंस होगी ऑर्डिनेंस ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक जो है वो कंटिन्यू रह सकती है वो रह सकती है सिक्स मंथ्स एंड सिक्स वीक्स

पार्लमेंट ऑफ इंडिया पॉकेटो का मतलब यही होता है बिल आज no जब उसकी टेबल पे बिल आती है तो प्रेसिडेंट क्या करता है ना तो उस पर वो साइन करता है ना ही एक्सेप्ट करता है ना ही रिजेक्ट करता है ऐसे पेंडिंग रखता है अपने टेबल पे बिल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम तो उसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेजेंट कंसर दस पार्डनिंग पावर्स का मतलब ये होता है कि माफ करने के पावर्स जो को दिए गए हैं आपको देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है पार्डन पार्डन एब्सॉल्विंग द फ्रॉम ऑल इट्स राइट जब आप उसको माफ करते हो उसको सब पुनिशमेंट से आप बर्खास्त करते हो उसको कोई पुनिशमेंट सजा वगैरह फिर नहीं मिलती है रिमिशन मीन्स रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर आप कम करते हो सजा उसकी उसको हम बोलते हैं रिमिशन Means Actually, reprieve, reprieve ka means, uh, थोड़ा स्टे करवा सकते हो आप क्यों, कोई और फैक्ट आपको डिस्कस करना होगा कोई और चीज आपको डिस्कस करना होगा उसके रिलेटेड तब तक आप उसकी सजा को स्टे करते हो तो स्टेटमेंट थ्री इज रॉन्ग तो दी स्टेटमेंट सर करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर कंसिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां पर भी हमें देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड द इलेक्टोरल कॉलेज इट्स करेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर क्या स्टेटमेंट सही है सेकंड स्टेटमेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरियल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑनली एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर स्टेटमेंट सही है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है इसमें से दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है पहला स्टेटमेंट सही नहीं है बिकॉज इट ये जो इलेक्टोरियल कॉलेज होता है इसमें मेंबर्स तो होते हैं बट सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के नहीं होते हैं इसमें खाली होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ओके इसमें खाली होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं आ जाते हैं तो इसमें ऑनली जो करेक्ट आंसर होता है दैट्स ऑनली बी ऑनली सेकंड ऑप्शन

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इज पी एन भगवती इट इज आंसर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश एंड टचेबिलिटी ये थोड़ी इजी क्वेश्चन है आर्टिकल सेवेंटीन सारे आर्टिकल्स आपको ट्वेल्व से थर्टी फाइव तक आपको याद रखने पड़ेंगे फंडामेंटल राइट्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट तो सारे आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे तभी तो आपके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी तो ये देखिए आर्टिकल सेवेंटीन ये होता है एबोलिश एंड अन टचेबिलिटी आर्टिकल फोर्टीन ओके ये होता है राइट टू इक्वलिटी ओके okay, तो आर्टिकल 15 राइट टू इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको इक्वेलिटी मिलनी चाहिए 18 में दिया गया। तो ये सारे आपको याद करने पड़ते हैं विच फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटीज इक्वेल्टी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल द इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया तो इजी क्वेश्चन है अभी मैंने आपको बता दिया फोर्टीन आर्टिकल फोर्टीन फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम कहां से कहां तक दिया गया है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जैसे मैंने आपको कहा आपको सारे आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे तो वह, यहां से आपको क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज किस में दी गई फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए टोल्ड यू दैट वेड नॉट पार्ट ऑफ द ऑरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया बाई फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फोर्टी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है ये होता है 1976 में। अब इस 1976 में क्या किया गया था जब सिंह कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया था फिर इनको इंसर्ट किया इनका पार्ट बना दिया गया 51 आर्टिकल का तो उस आर्टिकल का नाम रखा 51A। ए सो दिस इज आंसर विच आर लिस्टेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें से देखना है कौन कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका स्टेट पॉलिसी है ये आप आराम से देख लीजिए ये पढ़ लीजिए और याद रखिए कौन कौन सी राइट कौन कौन सी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इस लिस्ट में से इंक्लूड की गई है आ, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवाइट एंड टू सेव गॉड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट Then, uh, पे भी ये मैं प्रोडक्शन तो सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर तो ये जो है फ्रीडम इन द इकोमिक फील्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड ऐसा कुछ नहीं लिखा गया एंड फेसिलिटीज ऑफ लेजर ये भी मैंशन किया गया है यू नो टू एंसर डिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैसिलिटीज ऑफ लेजर फॉर ऑल आर वर्कर्स फॉर ऑल वर्कर्स देन टू थ्री

विच इ फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज हर किसी को वोट डालने का अधिकार ये सही है सीक्रेट वोटिंग यह भी सही है आपको देखना नहीं है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेगिस्लेचर फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये भी सही है क्रमिनल इलेक्टोरेट्स तो ये गलत है तो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट तो ये इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन बाकी ये फीचर्स हमारे सिस्टम में है तो ये फीचर नहीं है ब्रिटिश सिस्टम जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्रमिनल इलेक्टोरेट फिर 1919 में बढ़ाया था फाइव में और बढ़ाया था तो फिर ये सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद खत्म हो गया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर इनकरेक्ट गलत कौन सा स्टेटमेंट है फॉर क्वालिफाइंग टू द लोकसभा

डाय पड़ेगा जनरल सीट ऑल्सो एंड नॉट जस्ट विद इन द रिजर्व सीट एक्चुअली ये स्टेटमेंट okay? so, जो है ये स्टेटमेंट भी सही है Then, स्टेटमेंट सही है एंड चौथा स्टेटमेंट जो है यह भी सही है अब गलत कौन सा है स्टेटमेंट स्टेटमेंट इसमें से जो गलत है वो है स्टेटमेंट टू से आंसर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉट इज द मैक्सिमम अलाउड ज्यूरेशन बिटवीन द लास्ट से लोकसभा लास्ट सेशन ऑफ द डिजोल्व लोकसभा एंड द रिकॉलिंग ऑफ द लोकसभा सिक्स मंथ सिक्स मंथ इज द करेक्ट आंसर चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट गिवस हिज रिजिग्नेशन लेटर टू द गवर्नर गवर्नर को यह रिजाइन लेटर देता है ओके बीच फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द चीफ मिनिस्टर और नॉट ट्रू आप हमें देखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है एट हिस्स टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर नीड नॉट टू बी मेम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर तो क्या ये सही है एट हिज टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट लेजिस्टर बट उसको क्या करना होता है सिक्स मंथर अंडर वो बन सकता है चीफ मिनिस्टर बट छह महीने के अंदर अंदर जो है उसको, uh, क्या कर सकते हैं उसको वहां पे मेंबर बनना पड़ता है कंपलसरी स्टेट लेजिस्टेशचर का तभी तो वो कंटिन्यू करेगा चीफ मिनिस्टर अदरवाइज वो चीफ मिनिस्टर भी कंटिन्यू करेगा तो एक्चुअली एट हज टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट द चीफ मिनिस्टर नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्टेशन छह महीने की तक छह महीने का टाइम उसको दिया जाता है कि उसको नॉमिनेट के नॉमिनेशन के थ्रू या किसी और तरीके से आप उसको बना सकते हो क्या चीफ uh, मिनिस्टर तो ये स्टेटमेंट जो है ये है सही ये करेक्ट स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज प्रू हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर हिज अपॉइंटमेंट बिफोर इज अपॉइंटमेंट नो ये गलत स्टेटमेंट है राइट right? ये गलत स्टेटमेंट है इट इज द गवर्नर हुज द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर तो ये भी यू नो दिस जो क्वेश्चन है इट इज द गवर्नर हुज द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर इज अपंटेड बाय द गवर्नर यह सही स्टेटमेंट है द चीफ मिनिस्टर कैन रिकमेंड द रिजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर तो यह भी सही है सो वट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन तो हमें देखना है गलत कौन सा इसमें से गलत हमें पास हमारे पास यहां पर क्या एक ही स्टेटमेंट आता है ऑनली टू यहां पर यही स्टेटमेंट आता है हमें बाकी तो सब हमें सही लग रहे हैं तो ऑनली सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरह नहीं है कि वहां पे डबल सिटीजनशिप है यहाँ पे हमने यूके से इंग्लैंड से लाया है ये कंसेप्ट सिंगल सिटीजनशिप का एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट स्टेट की बात हो रही है तो गवर्नर आएगा इसका आंसर ओके okay? तो गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट द हाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट सेंटर में जो हाइस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सेंटर में प्रेजिडेंट तो स्टेट में गवर्नर

तो टेंथ शेड्यूल में ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लिखा गया है इसको डिटेल आउट किया गया है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह जो है उसको डिफेक्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया अगर कोई मेंबर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे वो एमएलए बनता है फिर वो किसी और पार्टी की तरफ जाता है दैट इज बैंड इन इंडिया एंड दैट हैज बीन बैंड बाय द एंटी डिफेक्शन लॉ व्हिच वाज पास इन 1985 हु इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्कालिफिकेशन बाय द एंटी डिफेक्शन तो ये कौन सा फाइनल अथॉरिटी कौन सी है सो आंसर इसका ए आएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन केस ऑफ राज्यसभा उसका हेड तो चेयरमैन होता है और स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा इनको फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया है कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन ला फिर से एंटी डिफेक्शन की बात क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट इफ एन इलेक्टेड मेंबर ओके इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलेंटरली गिवस मेंबरशिप ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी ओके

from फ्रॉम द डिस्कालिफिकेशन इन split from the फ्रॉम दू नो इन केस split from the देंथ शेड्यूल you know, anti defection। तो कहते हैं कि अगर सिपरेट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में उस, उस पे, उन पे एंटी डिफेक्शन लान नहीं लगेगा ये किस पॉलिटिकल, ये किस कमेटी ने बताया था ये दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बनाया बताया था दिनेश गोस्वामी गोस्वामी कमेटी जो है इट वॉज अपॉइंटेड अपॉन द इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने यह बताया The Central Bureau of Investigation comes under the Administrative Control. Administrative Control की बात हो रही है यहाँ पे तो Administrative Control इस किसके पास होता है इसका Department of Personnel and Training (DOPT) in the Ministry of Personnel and Trainings, Okay? Department of Personnel and Training जो उधर uh, you know New Delhi में इसका office है Central Government का तो वहाँ पे इसके अंदर जो है CBI आता है Administrative Control इसका इसी के अंदर आता है.

सेपरेट ओथ फॉर दू नो दिस तो ये पहले जब में तो में सबको लेना पड़ता है वन बाई वन इकट्ठे तो उसी टाइम पे जो है स्पीकर भी स्पीकर उस टाइम पे बना नहीं होता है तो ये पहले एज ए एम पी ओथ लेता है फिर उसको अकॉर्डिंगली स्पीकर की कुर्सी पर बिठाया जाता है तो जो पोलिटिकल पार्टी चाहे तो वो उसको बिठा सकते हैं क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, कम्स इन टू इफेक्ट फ्रॉमटीन नाइन थ्री में इसको हमने बनाया था नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओके नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज कम्स इन टू इफेक्ट फ्रॉम तो इसका आंसर रहेगा अंडर विच कंडीशन ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन लूज हिज और हर मेंबरशिप Condition? if he or she holds an office of profit under the union of a state government correct if he is de declared to be the unsound mind by a court wo, if he is and bankrupt okay paisa vagera, to, ab, you know in case of all these conditions all these circumstances agar wo, you know if a member of parliament faces any or all of these conditions he will be you know he will be disqualified he will be he will lose his or her membership so correct option is d वट इज द मिनिमम एज टू बी देंबर ऑफ द राज्यसभा मिनिमम एज राज्यसभा को लेकर थर्टी ईयर्स है तो लोकसभा को लेकर कितनी रखी गई है ट्वेंटी फाइव ईयर आप याद रखेंगे यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू इन विच द फॉलोइंग आर्टिकल एक्चुअली बजट का वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा ही नहीं गया है बजट का वर्ड बट देर इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर दैट दैट इज एनअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स वर्ड विच इज डिस्क इन दूस फार्ड तो, लिखा है है. तो ये लिखा ही नहीं है फर्स्ट यूनियन बजे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाई ये कौन प्रेजेंट करेगा फाइनेंस मिनिस्टर ही करेगा ना तो आपको देखना है कि पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इंडिया का आजादी के बाद तो वो था दिस आर केन्मुखम

तो आप देख लीजिए मैंने पे बी आंसर भी लिखा आपके ये इसको आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कीजिए ड्यूरिंग इमरजेंसी जब इमरजेंसी यू नो इन ऑपरेशन होती है तो उस वक्त आप लोकसभा जो है उसको आप उसकी लाइफ ऑफ लोकसभा का जो नॉर्मल है, वो है फाइव ईयर्स लोकसभा की लाइफ जो है वो है फाइव ईयर्स राज्यसभा की लाइफ जो है वो है सिक्स ईयर्स अब लोकसभा जो है, वो है, वो है लोकसभा को आप पांच साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो अगर इमरजेंसी वहां पे नेशनल इमरजेंसी वहां पे इन ऑपरेशन है उस टाइम पे आपको लेकिन क्या करना पड़ता है हर एक साल के बाद आपको पार्लियामेंट से ये परमिशन लेनी पड़ती है ये अप्रूवल पास करना होता है ओके आ, कि भाई हम ये इसको जो है कंटिन्यू करेंगे हर एक साल के बाद एक साल के बाद फॉरन फिर आप इसको जो है अप टू इनडेफिनिट पीरियड जितना टाइम दस साल बीस साल तीस साल आप चाहो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो प्रोसीजर फॉर द एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहां से लाया है साउथ अफ्रीका से आर्टिकल 368 के अंडर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो ये प्रोसीजर हमने लाया है साउथ अफ्रीका से द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया फेडरेशन कहां से लाया एक्चुअली द वर्ड फेडरेशन इज आल्सो नॉट मैं कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लेकिन फेडरल फीचर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म

ओके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है ओके okay, जब आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे प्रेसिडेंट करता है ये yes, प्रेसिडेंट करता है बट ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम द रिकमेंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ये आप याद रखेंगे ओके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट बी ऑप्शन करते हैं आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स द स्टेट स्टेट का मतलब क्या होता है स्टेट जब आप बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट इसमें से कौन कौन से ऑर्गन वगैरह होते हैं ये सब डिफाइन किया गया है आर्टिकल ट्वेल्व में कि कौन कौन सा आप बोल सकते हो कि स्टेट आप पंचायत को भी स्टेट बोल सकते हो क्या आप क्या यू you नो know, जिस कौन कौन सी यू नो गवर्नमेंट ऑफिशियल को पब्लिक कारपोरेशन को डिपार्टमेंट को आप स्टेट बोल सकते हो वो सब आर्टिकल ट्वेल्व में लिखा गया है न ओके इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है एक सो वाइट रेवल्यून दूध की पैदावार को ऑपरेशन फ्लड को इसने बहुत बढ़ावा दिया है चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमीटी ड्राफ्टिंग कमिटी नहीं है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सो इसका चेयरमैन जो था वो था खुद जवाहरलाल नेहरू ओके ही चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्टीट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सो यहाँ आपके हंड्रेड क्वेश्चन थे okay? तो so, तकरीबन पे हमें जो है, कम से कम यहाँ पे पार्ट uh, हमें तीन पार्ट करने पड़ेंगे तो so, ये अभी आपका पहला पार्ट था तो so, मैं इसके बाद जो है पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड भी आपके लिए लेके आऊंगा तो so, आप इन क्वेश्चन को रटने का काम शुरू कीजिए ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग प्लीज